हेलो फ्रेंड्स, मैं जूली प्रिशा की पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास फर्स्ट इंग्लिश का चैप्टर अ हैप्पी चाइल्ड। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पोयम में एक बच्ची है, वो एक हैप्पी चाइल्ड है, खुशनुमा बच्ची है, और वो अपने घर के आसपास की चीज़ों को देखकर, अपने घर को देखकर, घर के पास के बगीचे को देखकर, उसमें लगे पेड़ पौधों को देखकर किस तरह से खुश हो रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अ हैप्पी चाइल्ड। माई हाउस इज रेड, अ लिटल हाउस। बच्ची कहती है कि मेरे पास एक छोटा सा घर है जिसका रंग है लाल। अ हैप्पी चाइल्ड एम आई। वो जो बच्ची है वो एक खुशनुमा बच्ची है, एक हैप्पी चाइल्ड है। आई लव एंड प्ले द होल डे लॉन्ग। और वो जो है कह रही है कि मैं पूरे दिन हंसती हूँ, मज़े करती हूँ और बहुत खेलती हूँ। आई हार्डली एवर क्राई। और मैं कभी नहीं रोती। आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री। मेरे पास एक पेड़ है जो कि हरा हरा है, मतलब उस पेड़ पे बहुत सारे, वो पेड़ हरा भरा है, उस पे बहुत से हरे हरे पत्ते लगे हुए हैं। टू शेड मी फ्रॉम द सन, जो कि जो वो पेड़ है उस बच्ची को सूरज से, धूप से छाया देती है। एंड अंडर इट आई ऑफन सिट व्हेन ऑल माय प्ले इज डन। फिर वो कहती है, लड़की जो है इस पोयम में, वो कहती है कि जब मैं जब मेरा सारा खेल ख़त्म हो जाता है तो मैं अक्सर इस पेड़ के नीचे बैठा करती हूँ। बच्चों, तो ये थी हमारी पोयम अ हैप्पी चाइल्ड। इस तरह से ये बच्ची एक खुशनुमा बच्ची है और अपने आसपास को चीज़ को देखकर बहुत खुश है। बच्चों, अगर आपको इसकी हिंदी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।